हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच होने वाला है, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। तो इस वीडियो में मैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 बताने वाला हूं, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ खेलने उतरेगी। और सीएसके का एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि वापसी कर चुका है सीएसके में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सीएसके के लिए ओपनिंग करने आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और डायमंड कोनवे। ये दोनों खिलाड़ी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो लखनऊ के खिलाफ का शीशा भी तोड़ दिया था, और डायमंड कोनवे भी उस मैच में काफी अच्छा खेल रहे थे। बात करें प्लेइंग 11 में तीसरा खिलाड़ी कौन है, वो है मोइन अली। मोइन अली भी काफी इंपैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं, लेकिन अभी इनके बल्ले से हमें लंबी पारी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये बॉलिंग काफी अच्छे से कर रहे हैं, इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। इनकी इस बॉलिंग की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स जीत पाई थी। और बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो वो है बेन स्टोक्स, लेकिन इनका फॉर्म अभी कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात करें पांचवें खिलाड़ी की, तो वो है अंबाती रायडू। इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग करी थी और लखनऊ के गेंदबाजों की काफी पिटाई करी थी। और अंबाती रायडू मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बात करें छठे खिलाड़ी की, तो वो होंगे शिवम दुबे। इन्होंने भी लखनऊ के खिलाफ काफी शानदार बैटिंग करी थी। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब ये सेट हुए तो इन्होंने रवि बिश्नोई के बोलों पर बैक टू बैक सिक्स हिट करे। बात करें सातवें खिलाड़ी की, तो वो होंगे रविंदर जडेजा। इनकी भी बल्ले से फॉर्म काफी ठंडी चल रही है और गेंदबाजी भी इनसे बहुत ही कम करवाई गई है, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बात करें आठवें खिलाड़ी की, तो वो होंगे एमएस धोनी। इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग करी थी और बैटिंग में आते ही बैक टू बैक टू सिक्स हिट कर देते हैं। तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी धोनी पर काफी नजरें रहेंगी। तो बात करें नौवें खिलाड़ी की, तो वो होंगे दीपक चार। इनका फॉर्म इस टूर्नामेंट में कुछ खास रहा नहीं है। ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और लास्ट के एक दो ओवर्स डालते हैं, तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन पर भी काफी नजरें रहेंगी। तो बात करें दसवें खिलाड़ी की, तो वो होंगे राजवर्धन हैंगरगेकर। इन्होंने गुजरात टाइटंस के सामने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लखनऊ के सामने इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ग्यारहवें खिलाड़ी होंगे तुषार देशपांडे या सिसांडा मंगाला। आपको बता दें कि सिसांडा मंगाला साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। खबरें आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस के मैच में शामिल हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।